नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए दोस्तों नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के खरीद केंद्रों पर लगी लंबी कतारें, खरीद केंद्रों पर नहीं है पानी तक की व्यवस्था। अम्बा गांव के ग्राम प्रधान को किया गया पावर सीज, मनरेगा मजदूरों के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या। लॉकडाउन में किसान दंपति ने खोदा डोभा, दूर की खेतों में सिंचाई समेत पानी की समस्या। लॉकडाउन के बाद जहां टिड्डियों के आक्रमण ने किसानों का जीना बेहाल किया हुआ है, तो वहीं सरकारी सिस्टम भी किसानों को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में जहां ट्रैक्टरों की लंबी कतार टूटने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं इस वीडियो को बनाने वाले किसान कल्याण सिंह की माने तो उन्होंने बताया कि वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहते हैं, जहां की तहसील कोलारस के साइलो केंद्र पडौरा में गेहूं की खरीद जारी है, जहां औसतन 190 गांव के किसान अपना गेहूं बेचने के लिए आते हैं। ऐसे में जहां सरकारी सिस्टम गेहूं खरीद में लचर दिखाई दे रहा है, तो वहीं किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ लंबी कतारों में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। किसान कल्याण सिंह की माने तो बढ़ती गर्मी में ना तो किसानों के लिए कोई यहां सुविधा है और ना ही पीने के पानी तक की व्यवस्था। लंबी कतारों में किसान बेहाल हैं, जबकि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। दिनों दिन बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और लॉकडाउन का बढ़ना इन दिनों अपने राज्यों में आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भी समस्या बना हुआ है। आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया के बेतालपुर विकास क्षेत्र के नेरोई अम्बा गांव में ग्राम प्रधान के सरकारी धनगमन के बाद से उन्हें पावर सीज कर दिया गया, जिसके चलते इस समय ग्राम पंचायत में ना तो कोई विकास का काम हो रहा है और ना ही लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। ऐसे में गांव के कुल 11 सदस्यों में 10 लोगों ने बैठक की, हालांकि मामला नहीं सुलझा। ऐसे में गांव के विकास के साथ साथ गांव के मनरेगा कामगारों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। देश में जारी लॉकडाउन जहां किसानों के लिए इस समय मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के तांत नगर के चिड़ची गांव के रहने वाले किसान दंपति ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर वो कर दिखाया जिसे बामुश्किल ही लोग सोच सकते हैं। आपको बता दें कि किसान दंपति ने मिलकर पथरीली जमीन पर 1.5 महीने तक अपना पसीना बहाया और अपनी मेहनत से डोभा खोल डाला। जिस जगह उन्होंने डोभा बनाया है वो जमीन पथरीली जमीन थी, फिर भी दोनों ने मिलकर यहाँ एक डोभा तैयार कर डाला ताकि उनके खेतों की सिंचाई मन माफिक हो सके और बारिश के पानी से लेकर हर तरह का पानी बर्बाद होने से बच सके। यही नहीं, किसान दंपति के पास पैसों की कमी थी, जबकि वो सब्जी की खेती करते हैं जिससे पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ऐसे में उन्होंने मोटर लेने के बजाय डोभा खोदना उचित समझा और अपनी मेहनत से ये कर दिखाया। तो दोस्तों आज की किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।